Hello students, let's see the question. So the question is, match column 1 with column 2 with respect to dicot or monocot and select the correct answer. Column 1 दे, column 2 दिए, match करके बताने की कौन सा option में correct match है. Dicot leaf की अगर हम बात करें, इनमें से कौन सा related है? This fourth one, that is dorsiventral leaf. यहाँ पे dorsiventral leaf भी कहा जाता है dicot leaf को, क्योंकि यहाँ dorsal and ventral surface जो है थोड़ा different है. जैसे अगर हम देखें, number of stomata जो है वो lower epidermis में ज़्यादा होता है as compared to upper epidermis, यहाँ dicot leaf में. और कभी कभी लैक भी होता है अपर एपिडर्मिस में स्टोमेटा. तो यहाँ पे अगर हम देखें, ए का क्या है? फोर है. मोनोकोट स्टोमेटा की अगर हम बात करें, इनमें से कौन सा रिलेटेड है? दिस फर्स्ट वन, दैट इज इक्वल इन नंबर्स ऑन लोअर एंड अपर एपिडर्मिस. मतलब ये जो स्टोमेटा, अगर हम देखें नंबर ऑफ स्टोमेटा मोनोकोट लीफ में, अगर हम देखें अपर एंड लोअर सरफेस में नंबर उसका सिमिलर है. तो अगर हम देखें बी का क्या है, फर्स्ट बुलीफॉर्म सेल्स की अगर हम बात करें, तो इनमें से कौन सा रिलेटेड है? प्रेजेंट इन ग्रासेस. तो ग्रासेस में अगर हम देखें, ये लीफ का जो अपर एपिडर्मिस है, लीफ का अपर एपिडर्मिस जो है, इसमें अगर हम देखें, जैसे कि यहाँ पे अपर एपिडर्मिस में ऐसे लार्ज सेल्स हैं, और यहाँ अगर हम देखें जैसे ऐसे स्टोमेटा भी है. तो ये जो लार्ज सेल्स हैं अपर एपिडर्मिस में, ये लार्ज सेल अगर हम देखें कहाँ इन्वॉल्व होते हैं, इनको हम बुलीफॉर्म सेल बोल रहे हैं. ये किसमें इन्वॉल्व है? यहाँ पे अगर हम देखें, जब वाटर स्ट्रेस कंडीशन होगा तो ये फ्लैसिड हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, लीफ सरफेस क्या हो जाएगा, ऐसे लीफ अगर हम देखें कर्ल हो जाएगा, जिसकी वजह से वाटर लॉस प्रिवेंट करेगा. अगर वाटर एक्सेस है यहाँ पे तो क्या होगा, वाटर अंदर जाके ये सेल टर्जिड हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि लीफ सरफेस जो है वो एक्सपोज होगा और वाटर लॉस होगा, तो इससे नॉर्मलाइज हो जाएगा वाटर का लेवल. तो अगर हम देखें यहाँ पे उसमें मेंटेन करने में हेल्प कर रहे हैं, सो सी का सेकंड होगा. नेक्स्ट अगर हम देखें, डाइकॉट वास्कुलर बंडल्स डिफर इन साइज ड्यू टू रेटिकुलेट विनेशन, सही दिया हुआ है. यहाँ पे अगर हम देखें डाइकॉट लीफ की अगर हम बात करें, तो इनमें जनरली कैसा देखने को मिलता है? रेटिकुलेट विनेशन देखने को मिलता है. तो यहाँ जो मेन वीन है, देन यहाँ पे अगर हम देखें ऐसे विनलेट्स हैं. तो यहाँ से अगर हम देखें, तो यहाँ पे ये जो वीन्स हैं, यहाँ पे अगर हम देखें तो इसका जो वास्कुलर बंडल होगा यहाँ पे, उसका साइज डायमीटर अगर हम देखें ज़्यादा होगा, यहाँ पे साइज़ ज़्यादा होगा, और इस वाले का उससे कम होगा, इस वाले का उससे भी कम. तो अगर हम देखें यहाँ पे, डिपेंडिंग ऑन ये जो वीन का डायमीटर, उस पर डिपेंड कर रहा है यहाँ पे. तो अगर हम देखें यहाँ पे, तो ये डिफर इन साइज होता है ड्यू टू रेटिकुलेट विनेशन. तो डी का थर्ड है. ए का क्या होना चाहिए? फोर. ए का फोर यहाँ दिया है, इसमें फर्स्ट और इन दोनों में सेकंड है, तो ये दोनों ही, ये तीनों ही गलत है. देन बी का क्या होना चाहिए? फर्स्ट. बी का फर्स्ट यहाँ सही दिया है. सी का क्या होना चाहिए? सेकंड. सही दिया हुआ यहाँ पे. डी का क्या होना चाहिए? थर्ड. सही दिया है यहाँ पे. करेक्ट आंसर वुड बी दिस फोर्थ वन. होप एंड शुड क्वेश्चन. थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट.